हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतूज कुकिंग हब। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल थाली, जो आप किसी भी त्यौहार में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये थाली बिहार में हर अवसर पर बनाया जाता है, तो आइए इस रेसिपी को बनाते हैं। और अभी हम लोग बनाएंगे आलू दम। ये आलू दम थोड़ा अलग है फ्रेंड्स, ये बिहार का आलू दम है, वहाँ पे इसी को आलू दम बोलते हैं। यहाँ पे मैंने दो बड़े साइज का प्याज, एक टमाटर और एक इंच अदरक को पेस्ट बना लिया है। पैन में मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच तेल लिए हैं, 1 टीस्पून जीरा। जीरा हमारा चटक चुका है, तो हम लोग अभी इसमें 1 तेज़पत्ता डालेंगे। और अभी जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया है उसे डाल के हमें अच्छे से इसे भून लेना है। 2-3 मिनट तक भूने फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला है, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला था फ्रेंड्स मैंने, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर। इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। अभी ये थोड़ा सा भून चुका है, तो हम लोग इसमें नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, और इसे आप ढक ढक के भी भूनें। और ये हमारा मसाला भून चुका है, तो अभी हम लोग इसमें आलू ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे बॉयल्ड आलू 5 लिए थे, उसे आधा को हाथ से तोड़ दिया है मैंने और आधा को काट दिया है। और अभी हम लोग आलू को डाल के भून लेंगे। आलू को भी डाल के फ्रेंड्स 2-3 मिनट तक भून लें। और ये हमारा आलू भी भून चुका है, तो हम लोग पानी ऐड करेंगे। और ये सब्जी फ्रेंड्स सारे लोग रस वाला ही बनाते हैं, ग्रेवी ज़्यादा होती है, पर आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप अपने हिसाब से रख लें। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है और इसे ढक के 2-3 मिनट तक छोड़ देंगे हम लोग। 2-3 मिनट के बाद हमारा सब्जी पक चुका है, तो लास्ट में हम लोग इसमें गरम मसाला डाल देंगे। कसूरी मेथी भी डाला है मैंने 1 टीस्पून, धनिया के पत्ते भी डाले हैं मैंने। और बस हमारा आलू दम रेडी है, आप देख सकते हैं इसका कलर। तो अभी हम लोग बनाएंगे दाल भरी पूरी। पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप दाल, ये चना दाल है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग 2 से 3 कप पानी डालेंगे, हल्दी 1 टीस्पून डालेंगे और इसे 1 सीटी आने तक हम लोग सिर्फ रखेंगे गैस स्टोव पर। और उसके बाद हम लोग इसे बंद कर देंगे, तुरंत से कुकर को खोल देंगे हम लोग, क्योंकि हमें एकदम गीला ये ऐसा नहीं चाहिए, दाल एकदम ऐसा खड़ा खड़ा चाहिए। आप देख रहे हैं इसको दबाने में प्रेशर लग रहा है, हमें वैसा चाहिए। और हमें इसे पीस लेना है मिक्सर में, और पीसने पे भी हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये दाल दिख रहा है। और उसके बाद पैन में मैंने 2 चम्मच तेल लिया है सरसों का, आप जो भी तेल खाते हैं वो यूज करें। 1 टीस्पून जीरा, 2 लाल मिर्च लिया मैंने, उसे हम लोग भून लेंगे। भूनने के बाद दाल को हम लोग इसमें डालेंगे, इसे हमें भूनना है 2-3 मिनट तक। और अभी हमारा दाल भून चुका है, तो अभी हम लोग इसमें नमक ऐड करेंगे। और अदरक रख रही हूँ मैं, एकदम फाइन चॉप है अदरक ये, आप चाहे तो कूट के भी रख सकते हैं, ग्रेट करके भी अदरक रख सकते हैं, बट अदरक ज़रूर रखें, उसी से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और ये ठंडा हो चुका है, तो मैंने इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने आटा लिया है 3 कप, तेल उसमें 2 से 3 चम्मच डाला है, आधी छोटी चम्मच नमक डाली है। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम लोग। उसके बाद नॉर्मल जैसे आटा बनाते हैं हम लोग इसका आटा बनाएंगे, पर आटा थोड़ा कड़क रखे और सॉफ्ट भी होना चाहिए,
अच्छे से उसे सानें, नहीं तो हमारी पूरी जब हम लोग स्टफ करेंगे वो निकल जाएगी उसमें से साइड से तेल में, और तेल पूरा ख़राब होगा। फिर बाद में इसे हम लोग कटोरी बनाएंगे, कटोरी में दाल को स्टफ करें, बहुत ज़्यादा दाल भी ना भरे फ्रेंड्स इसमें। आप देख सकते हैं इसे मैं घुमा के कर रही हूँ, और एक्स्ट्रा जो आटा है ऊपर उसको निकाल दिया है मैंने, और इसे हाथ पे ही थोड़ा सा बड़ा कर ले ताकि दाल इसमें का चारों तरफ फैल जाए। आप डायरेक्ट अगर इसको चकला बेलना पे अगर डाल के अगर करेंगे तो वो फट जाएगी वो, और बस इसे थोड़ा सा बेलना है हमें, इसे मोटा ही रखना है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में भी एक कढ़ाई में तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, और अभी हम लोग को पूरी को लो मीडियम फ्लेम पे तलना है फ्रेंड्स। इसे एक दो बार अलटते पलटते रहें फ्रेंड। आप देख सकते हैं कि पूरी हमारी कितनी फुली सी बनी है। ये हम लोग बनाएंगे सबसे पॉपुलर खीर, जो सबको पसंद है वो है चावल की खीर, तो चलिए इसे बनाते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, 3-3 चम्मच कट किए हुए ये ड्राई फ्रूट्स हैं, और 1/2 कप चावल लिया है मैंने। चावल को 2 से 3 घंटे तक भिगो के रख दिया था मैंने, अभी इसका पानी निकाल दे रही हूँ मैं। और यहाँ पे पैन में मैंने 3 बड़े चम्मच घी लिए हैं, घी में मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लूंगी। और ये हमारा ड्राई फ्रूट सभी भून चुका है। और उसी घी में हम लोग चावल को भी भून लेंगे, एकदम लो फ्लेम पे चावल को भूने। और ये हमारा चावल भून चुका है, तो हम लोग इस चावल में से 2 चम्मच चावल को निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, दूध को हमें लगातार चलाते हुए गर्म करना है। और यहाँ पे जो चावल हमने निकाला था उसमें 10 से 15 काजू डालेंगे, 3 से 4 बड़े चम्मच दूध के डालेंगे, और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे हम लोग। और ये हमारा पेस्ट रेडी है, और दूध भी उबल चुका है, तो हम लोग जो चावल बचे हुए हैं उसको डाल के अच्छे से पका लेंगे, इसे रेगुलर चलाते रहें। साइड में जो हमारे क्रीम लग रहे हैं, छाली जो बन रहे हैं, उन्हें भी हमें निकाल के अंदर डालते जाना है। और ये हमारा चावल पक चुका है, आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने जो पेस्ट बनाया है काजू और चावल का, अभी उसे हम लोग इसमें डाल देंगे, और डाल के 2 से 5 मिनट तक हम लोग इसे पकाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इसे डालने के बाद हमारा खीर कितना क्रीमी दिख रहा था। और इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच डालेंगे हम लोग चीनी के। ये हमारा देखे रबड़ी टाइप का एकदम खीर रेडी है, और ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ मैं थोड़े से, 1 टीस्पून छोटी इलायची पाउडर डाल रही हूँ मैं, और इसे डाल के हम लोग चला लेंगे। और ये हमारी बहुत ही स्वादिष्ट थाली रेडी है, तो आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।